ये रहे अपने सेठी भाई। हेलो भाई, और भाई कंग्रेचुलेशंस, भाई का भी गोप्रो आ गया है। आगे भाई लिंक रोड पर कुत्ते साइड। अब देखना एकदम से मुर्गे बाहर आएंगे सब। वेलकम, आ जाओ। चलो 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 भाई, ये देखो कितना प्यारा है यार, मतलब कितना छोटू सा, छोटू ये देखो कितना प्यारा। मतलब अपने घर पे ना काम काज चलता रहता। अभी देखो तो भाई हो गए रेडी, अभी जा रहे हैं यार पहुंच आए भाई मेन रोड पर। बाइक के ज़्यादा खड़खड़ आ रही होगी क्योंकि ये आ गई भाई अपनी लोकल मार्केट। एक दो ब्लॉग में हमने देखा होगा गाइस कि हम नदी में नहा रहे हैं, यही वो नदी है। देखने में लग रहा है हम सिटी में आ गए, पर सिटी नहीं है, गांव है। मतलब तो जा रहे हैं भाई पंखा लेने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। बज रहे भाई सुबह के 9, और आपको पता है जब इंसान घर हो, एक मस्त सुबह पंखा चल रहा होता है ना, उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो अभी 9 बज गया, अभी उठ गए क्योंकि जो मेरा भाई है वो रात को गया था ना, वो फोटोग्राफर का काम करता है फंक्शन पे, तो वो सोया, फिर उसको उठाया नहीं। तो मैं आ गया देखो चाबी लेके यहाँ पे अपने पोल्ट्री फार्म के पास। तो पहले मुर्गों को सुबह सुबह खोलेंगे क्योंकि दिन को गर्मी है, दिन को ये भी छाया में बैठ जाएंगे। अभी देखना एकदम से मुर्गे बाहर आएंगे सब। सो वेलकम वेलकम, चलो 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 चलो। ये देखो कितना प्यारा है यार, मतलब कितना छोटू सा, छोटू ये देखो कितना प्यारा सा छोटा सा। हेलो, मतलब खाना मेरे को, क्योंकि ये मुर्गी के बच्चे को उठाओ तो मुर्गी से खतरा भी रहता है। और ये कितना प्यारा है, चलो अंदर। अभी मैंने भाई को उठा के लाया, वो सोया था, पर क्योंकि वो घर में रहता है ना, उसको पता कि यहाँ पे कौन सी मुर्गी का कौन सा बच्चा है ना, तो एक बच्चा बीमार है थोड़ा सा ना, उसको लगाएंगे दवाई, पानी भर के लाना पड़ेगा। मतलब ना आप भी ऐसा करना चाहिए अपने छत पे भी ना, तो पानी रख देना चाहिए पक्षियों के लिए, क्योंकि इंसान तो पानी मांग के पी सकता है, बेजबान पक्षी, और इतनी गर्मी में पानी नहीं मिल सकता ना, तो अपने छत पे पानी रख दो। मैं भी अब ना पहले मुर्गों वगैरह को पानी सबको पिलाते हैं, फिर छत पे रख देंगे पानी। मतलब अपने घर पे ना काम काज चलते रहता। अभी देखो पोल्ट्री फार्म हमने किया, अब वहाँ पर एक ट्रैक्टर आ गया पानी लेने के लिए। चलो अब उसको पानी डालेंगे। ये लहसुन है, इसको हमने मतलब पक चुका है, इसको निकालना है खेतों से, पर आज फिर धूप होगी, फिर हम लेट उठे। यहाँ बन रहे हैं फुलके और सब्जी के, बनी फुलके भी लेट हो गए आज ना, सर आलू पनीर की सब्जी। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लकड़े हैं तो हम ज़्यादा चूल्हा यूज़ करते हैं, चूल्हे की दो हो जाए, एक तो गैस कम लगता है और उसके बाद चूल्हे की रोटी टेस्टी होती है, बाकी सब्जी आलू तो वो तो गैस पे बनते हैं। धूप हो गई है ना, देखो यहाँ पे नहीं छाया भी नहीं है, वहाँ पे है पेड़ के नीचे बैठने की जगह। करते हैं ब्रेकफास्ट, हाँ आज पाठ होकर जाना के जाओ जाओ गोरू के लिए दे गो ब्रेकफास्ट दे यार। करते हैं भाई ब्रेकफास्ट, बैठते हैं अंदर यार, गर्मी बहुत होगी। अब जो लहसुन था उसको अब सुबह करेंगे, कटन भी लगाने वाले हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा यार, मतलब टाइम है भी बहुत है, मिल भी नहीं रहा, समझ कुछ नहीं आ रही भाई। इसको जानते हो, ये देखो ये आ गया अपना सिल्वर प्ले बटन भाई। तो भी हम रख लेंगे छत पे पानी, मतलब पक्षियों के लिए पानी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, देखो इतनी ज़्यादा धूप है। और यहाँ पे गाँव में, यहाँ पे देखो वहाँ पे भी पक्षी है, पेड़ पे भी हैं, यहाँ पे पक्षी आते रहते हैं छत पे हमारे, वहाँ पे पेड़ ना साथ में, वहाँ पे पक्षी आते रहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ और भी निकाल, एक दो चीज़ें यार, चल अभी एक ये निकाल, ये रख भैया, अभी एक ही रखते हैं ना, फिर अभी बनाएंगे पुरानी बॉटल्स काट के ना बनाएंगे, ऊपर चलते हैं छत पे, रखते हैं इसको उधर, धूप पे रखना उधर पेड़ के पास, यहाँ रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ये है ना अंगूर की बेल है भाई, यहाँ पे देखो अंगूर की बेल है, इधर रख दे, इधर अंगूर भी लगे भाई छोटे छोटे, यहाँ पे अभी देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बैठते हैं पक्षी यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएंगे पानी पियेंगे, यहाँ पे रखना चाहिए पानी यार। मैं जैसे सुबह भी कह रहा था, कल भी कह रहा था कि छत पे पानी रखो भाई पक्षियों के लिए, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बहुत ज़्यादा धूप। अब मोटर लगानी है बस, क्योंकि नीचे जो मुर्गियाँ खोल के रखी हैं उनको भी पानी की कमी है, वहाँ लगाएंगे पानी अच्छे से। देखो यहाँ पे भी पेड़ है छत के साथ पे। तो भाई गाय को पिलाना अभी पानी, पहले पिलाते हैं गाय को पानी यार, क्योंकि मम्मी भी काम सुबह से कर रहे हैं, काफ़ी थक गए होंगे। गौरव बाहर आ रहा, गाय को पानी पिलाएं। एक गाय इधर, दूसरी गाय किधर है? एक वो है, एक ये है, अब पिलाते हैं इनको पानी पहले। कल चलना सुंदरवाणी यार, गौरव को नहीं चलना सुंदरवाणी, गौरव को मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ चलना कल, हैं कल चलते हैं यार, आज बाइक नहीं आई, भाई को कहीं जाना है। तो गाइस आए अभी ना, क्योंकि ये मुर्गियाँ यहाँ पे ना, आपको पता है गाँव में, तो गाँव पे ना जानवर वगैरह होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, एक दो बार चेक करना पड़ता है। मम्मी बकरी को तो दिया है, हाँ बकरी अभी बांधी है। देखो यहाँ मुर्गों को ध्यान देना पड़ता है कि कोई जानवर और ना अंदर आ जाए, इनका पानी है, क्योंकि ना ये जो मुर्गे हैं गर्मी से बहुत ज़्यादा
मरते हैं। और गौरव तैयार हो रहा है, गौरव ने जाना है सुंदरबनी में, इसको बोल रहा हूँ कल जाना मेरे साथ, पर इसको जाना है कजन ब्रदर के साथ, कल भी चलेंगे। मुर्गियाँ बोल रही हैं अभी, बकरी को शाम को लेके जाएंगे कहीं बांधने के लिए। हो भाई बाहर इतनी गर्मी है ना भाई, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा यार। इसलिए फर्स्ट डाला है पहले, ठीक है मिट्टी का था ना। तो गौरव हो गया तैयार जाने के लिए, मैं तो बोल रहा हूँ मत जा अभी गर्मी में यार, बाइक भी नहीं है घर पे यार, बाइक को तो हम बाइक ले जाएं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना। तो गाइस सब गाय वगैरह को पानी पिला दिया, मुर्गों को भी दलिया वगैरह डाल दिया, अब हम हो गए फ्री। अब देखते हैं आज शाम को जाएंगे नदी में नहाने के लिए, जैसे उस दिन गए थे ना, पानी थोड़ा गंदा पर आई थिंक साफ़ हो रहा है धीरे धीरे, बारिश नहीं हो रही ना, तो वहाँ पे पानी इतना इतना है, और हम 5-7 होते हैं, मज़ा आता है नहाने का भी। 2000 years later. तो भाई हो गए रेडी, अभी जा रहे हैं यार, चले पाठ है, रामायण का पाठ होता है ना, तो वहाँ पे रामायण का पाठ है सिस्टर के घर, मेरी कज़न सिस्टर है, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर होगी, तो यहाँ से जाएंगे बाइक पे। पहले भाई ने जाना था, फिर आपको पता है भाई रात को फंक्शन में गया था, उसको भी नींद आई, वो सो रहा है, और गौरव चला गया मार्केट, सब अपने अपने काम पे, फिर मेरे को ही जाना पड़ा, ये आ गई अपनी बाइक। फाइनली गाइस आ गए, करते हैं बाइक को स्टार्ट, निकलते हैं यहाँ से फिर, चल 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 पत्थरों के ऊपर से, क्योंकि अब हैबिट हो गई है बाइक को भी पत्थरों के ऊपर से चलने की। कच्चा रास्ता है यहाँ से अपना, अरे वहाँ शायद खड़े होंगे, एक बार चेक करते हैं कि माइक अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, गर्मी में घर से निकलने का मन नहीं करता, मतलब जब हम ट्रक पे रहते तब तो अलग बात है, तब हमें काम तो करना ही है, घर में इंसान सोचता है, इंसान आलसी हो जाता है, सोचता है यार घर में बैठे हैं, मस्त पंखा चल रहा है, यहाँ पे ही आ गया भाई पुराना क्रशर, क्योंकि ये क्रशर अब बंद हो चुका है यहाँ पे, पहले 1:30 बजे तब यहाँ से बाहर से स्टॉक करते हैं, यहाँ पे मिलती हैं जैसे होती है ईंट मिलती है सीमेंट की ईंट बड़े वाली, मोड़ में हार्न बजाना चाहिए यहाँ पे अपने गाँव में, ऊपर से उतराई है कोई डाउन तेज आ रहा हो तो ओ, 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 चल 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 चल, गंदा रास्ता ना, पहुँच जाए भाई मेन रोड पर, बाइक की आपको ज़्यादा खड़खड़ आ रही होगी क्योंकि कच्चे पर चल चल के बाइक की हालत ख़राब हो गई है, ये आ गई यहाँ पे मेन रोड, तेल दिलवाना था पर कल मैं जम्मू के लिए जा रहा था, मैंने टैंकी में 500 का तेल दिलवाया, पर 500 से मीटर 0 पे है, और जो मेन मीटर है ये नहीं चल रहा यार, इसका भी कुछ ख़राब है, पर चल रही है अभी तक, मैंने भी ठीक नहीं करवाया, चल रहे हैं, आने वाली है यहाँ पे अपनी लोकल मार्केट, यहाँ मतलब अपने घर के सबसे पास है मार्केट, यहाँ सब्जी वगैरह चाहिए या कुछ चाहिए वहाँ पे ही जाते हैं। ये आ गई भाई अपनी लोकल मार्केट, देखो भाई छोटी सी मार्केट है पर ज़रूरत के लिए हर सामान मिल जाता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात मतलब हेलमेट तो हमें ऑलवेज पहनना चाहिए, पर जब भी आप लेडीज़ सवारी अपने पेरेंट्स के साथ हो, मम्मी या सिस्टर किसी के साथ हो, तो आप ज़रूर ज़रूर पहने भाई। यहाँ पे चल रहा है रोड का काम, आने वाले टाइम पे यहाँ से शॉर्ट रास्ता बन जाएगा, और हमें भी घूम के वो पार से वहाँ पे जाना है, वो पार से वहाँ तक। ओ भाई आ गई यहाँ से पोल्टर लगने वाली जगह है, यहाँ पे किसी रिलेटिव अगर जाना हो ना, इंसान घर से तैयार होकर जाता है पर आधा मेकअप यहाँ से लग जाता है, कपड़े भी पूरे ख़राब हो जाते हैं वहाँ पहुँचने तक, पर वो ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अगर ये रोड इतनी ख़राब है आने वाले टाइम पर जब सही होगी तो उसका प्रॉफिट भी हमें ही होगा, प्रॉफिट सबको होगा पर जो पास में तो ज़्यादा उनको जो मैं लोकल ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे। एक दो ब्लॉग में हमने देखा होगा गाइस कि हम नदी में नहा रहे हैं, यही वो नदी है यहाँ, ये नदी मेरे घर के पास से निकलती है, वहाँ पे हम नहाने के लिए जाते हैं, अभी तो पानी गंदा है पर चलो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज भी गए मेरे भाई और नहाने के लिए पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था, और हम आएंगे शाम को एक क्रिकेट मैच देने के लिए क्योंकि यहाँ पे टूर्नामेंट चल रही है, वो भी इसी रोड में आगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर। ओ भाई फिर से सिंगल रास्ता, जब भी इंसान के नाके पर पहुँचता है अगर बंदे के पास जा कोई डॉक्यूमेंट काम है या हेलमेट नहीं तो बंदा कितना डर रहता है, जब सब कुछ पहनो, आज मैंने शूज़ पहने, लाइसेंस है, पोल्यूशन पर्ची भी कल कटवा ली थी, इंश्योरेंस भी करवा ली, अब सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो टेंशन ही नहीं है, चाहे जिस मर्जी ने नाका लगाया हो, तो मतलब डॉक्यूमेंट सब अपनी गाड़ी के ओके होने चाहिए, और खुद भी हेलमेट और शूज़ जरूर पहने होने चाहिए, फिर किसी का आपको डर ही नहीं है, आपको रोकेगा नहीं, आप आराम से बेफिक्र चल सकते हो। ओ शिट इतनी दूर, मैं धो के कपड़े पहन के आया था, कहीं जगह इतना गंदा रास्ता आता है ना, पर यहाँ पे अभी इतनी दिक्कत नहीं है बाइक को, बाइक को दिक्कत आती है बारिश पे, जब ज़्यादा बारिश होती है तब इतनी मुश्किल हो जाती है बारिश में यहाँ से बाइक चलाना, फिर स्लिप होती है, फिर बाइक यहाँ पर गिरती हैं। इस रोड का 4 लेन का काम नहीं चल रहा है, इस रोड का काम चल रहा है रिपेयरिंग का, मतलब ज़्यादा कर्व है, ज़्यादा जो अप डाउन था उतराई था ज़्यादा थी, उसको काट के जो कर्व उनको सीधा किया जा रहा है, रोड को स्मूथ बनाया जा रहा है,
बहुत ज़्यादा गंदी रोड है यार। कहीं जाना हो तो इंसान को आधा घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है टाइम से। और कई जगह में रास्ता इतना टाइट आ जाता है कि बाइक को भी साइड देना मुश्किल हो जाता है। टैंक वाले भैया आप निकल जाओ। ओहो यहाँ पे वही कीचड़ आ गया फिर से, यहाँ पे तो ध्यान से चलना पड़ेगा। ओ भाई इतना कीचड़ आया, रुकते भाई ट्रक को निकलने देते फिर हम चलेंगे। ओ किसी गाड़ी भी आ गई, चलो चलो निकलो निकलो भैया। हाँ हम इधर से निकाल लेते हैं धीरे से। मतलब हमें अपने दोस्तों यारों के घर जाना हो, जब हमें जाना हो तो भाई हम खाली भी चले जाएंगे, चलता है यार। पर जब पेरेंट्स आएंगे, जब बड़े किसी को जाना हो तो फिर भाई खाली आ जाओ, अच्छा नहीं लगता। अभी आपको पता है गर्मी है, यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक ही ले चलते हैं। इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। ये हैं भाई मम्मी कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। यहाँ से क्योंकि थोड़ा ही रह गया, 5-6 किलोमीटर रह गया ओनली। तो भाई कभी एक टाइम था, मतलब आज से 4 साल पहले, जब मेरे पापा ने ये बाइक हमें ले, मुझे ही लेके दी थी क्योंकि मैं आईटी जा रहा था। मेरे भाई मेरे से छोटे हैं तो ज़्यादा इस बाइक को मैंने ही चलाया है। तो बस भाई अब ऐसा है इतनी मेहनत करनी कि हमें कुछ लेके दो अपने पापा को। बस मुझे एक आध साल में 1 ईयर के अंदर अंदर मैं पापा को 4 व्हीलर लेके देनी है, और मुझे वो गिफ्ट करनी है जैसे पापा ने मुझे बाइक लेके दी थी। चलें बस आप सबका ऐसे ही प्यार रहा तो जल्दी वो मेरा सपना पूरा होगा और मैं अपने मम्मी पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करूँगा जल्दी ही जल्दी। और अभी घर आने की भी कुछ वजह है, चलो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि मैं घर में क्यों आया हूँ, मैं इतने दिन घर में क्यों रुक रहा हूँ, उसकी भी एक वजह है। नहीं तो मुझे भी घर में रुकना नहीं, मतलब पसंद सबको रहता है, पर अब घर में बैठ के भाई काम नहीं चलता अपना। आप घर से बाहर रहोगे, काम करोगे तो पैसे कमाओगे, तो घर में बैठा हूँ मतलब उसके लिए कुछ काम के लिए ही बैठा हूँ। बस वो काम बन जाए तो आप सबको काफ़ी सरप्राइज़ मिलने वाले हैं, और आप सबका प्यार ऐसे बना रहे तो भाई जल्दी मैं गाड़ी गिफ्ट करूँगा भैया। आराम से आराम से। पता है भाई मुझे कच्चे मुँह थोड़ा पड़ा, मुझे लगा वो रुक जाएंगे पर वो नहीं रुके। तो ऑलमोस्ट गाइस हम पहुँच गए, और मतलब ये वो गली है, मतलब होता है ना कि नानके जाना बच्चे बोलते हैं आप, मतलब जब हम भी छोटे थे, जब आप छोटे थे, जब स्कूल में छुट्टियां पढ़ना तो जिद करना कि नानी के घर जाना। और मेरी नानी का घर यही है, मतलब मेरी मम्मी के पहले घर इसी रोड पर हमें वहाँ नहीं जा पाएंगे, है इसी रोड पर हमें जाना है सिस्टर के घर, तो इतना टाइम ही नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि घर पर लेडीज़ को काम कम रहता है मतलब, पर नहीं भाई मतलब लेडीज़ के बिना एक घर नहीं चल पाता। मेरी मम्मा जिस दिन घर ना होना तो भाई पूरा सामान इधर उधर, घर का सिस्टम ही पूरा चेंज हो जाता है। अभी मम्मा बिल्कुल नानी के पास जाएंगे पर वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, अगर वहाँ जाएंगे टाइम लग जाएगा, फिर शाम को मुश्किल हो जाती है क्योंकि पता गाय भी है घर में, सब काम करना पड़ता है मम्मी के बिना। हाँ हम भी काम करते हैं पर भाई मम्मा के बिना काम नहीं चल पाता। अब आगे गाँव का रास्ता वापस, हमारे गाँव से इस गाँव का रास्ता सही है, कम से कम भाई रोड तो है ना चलने लायक। यहाँ से चला गया अपनी नानी के घर रास्ता, हमें जाना है भाई इस तरफ। देखने में लग रहा है हम सिटी में आ गए, पर सिटी नहीं है गाँव में, मतलब ये जो गाँव में यहाँ पर घर सबके इकट्ठे हैं और खेत सबके अलग हैं साइड में। जहाँ पे हमारा गांव है वहाँ पे अपने ही खेत में अपना घर है, दूसरा घर वहाँ से दूर होगा। यहाँ पे मेरी मम्मा का स्कूल भी तो आगे है, इस बिल्डिंग के जो आगे ना पीर बाबा की जगह, इसके इस तरफ है मम्मा का स्कूल, यहाँ पे मम्मा और पढ़ाई करते थे। स्कूल लाइफ मम्मा सही होती है ना, स्कूल लाइफ होती है। ये रहे अपने सेठी भाई। हेलो भाई, और भाई कंग्रेचुलेशंस, भाई का भी गोप्रो आ गया है और सेम सेम हो गया दोनों का गोप्रो, मेरा और भाई का। चलो अब है कि ओ तेरी भाई ने चश्मा भी लाया मस्त। अब कल से सेठी भाई के ब्लॉग भी मस्त आएंगे एकदम अच्छी क्वालिटी वाले यार। और खुशी होती है यार अपनी मेहनत से एक चीज लो तो उसकी एक अलग ही खुशी है यार। सही बात है भाई, आगे भाई वहाँ से निकल के अभी शाम के बजने वाले हैं 4, और अब धूप कम होगी, अब गर्मी भी कम है, अब चलते हैं सीधा ही घर पे। वो तो कह रहे थे रुको, पर आपको पता है घर पे और काम करने वाला कोई नहीं, मम्मी भी जाएंगे घर पे, काम काज होगा, पापा भी बीमार हैं, उनको भी डेली शाम को फांडा करवाना पड़ता है, मतलब डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। तो भाई थके था इंसान यार बाइक में, अगर रोड तो एक बड़ी हो तो अलग बात है, मतलब कच्चा रास्ता ऐसे ही थके थे। बज के शाम के 5 और हम पहुंच गए भाई देखो अपने घर। हम घर पे करते हैं काम, काम वो लहसुन थोड़ा है वो करना था, वो करते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को सब दोस्त जा जाएंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़ा आता है यार, टाइम अच्छे से स्पेंड होता है। कर दिए गाइस कपड़े चेंज, अब हम बनाएंगे दादी के लिए पंखा, है दादी दादी के लाएंगे फैन, क्योंकि ये वाला पंखा है ना तो ये बिल्कुल स्लो 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 चल रहा है, अब लाएंगे नया पंखा। आना नवा पंखा, नवा पंखा लिया वहाँ
दादी क्यों यार, दूसरे पंखे हैं अपने घर पे स्टैंड वाले, जो मतलब स्टैंड पे लगते हैं एक्स्ट्रा, दादी वो लगाते नहीं है, पता नहीं अब दादी बोलते नहीं बिल ज़्यादा आ जाएगा, मतलब वो कहते हैं एक ही पंखा लगाना है, जब एक लगाना है तो भाई फिर लाते हैं ना नया पंखा यार, 1500 तक आ जाएगा। अभी पापा को कॉल करता हूँ, पूछता हूँ उनसे, क्योंकि घर में कोई भी काम करना हो तो अपने से बड़ों से पूछ के ही भाई, चाहे मतलब देखो मना तो करेंगे नहीं पापा, क्योंकि अच्छा काम करो, दादी के लिए पंखा ला रहे हैं और वो भी खुद के पैसों से यार, मतलब खुशी मिलती है। बस पापा को बता के जाना, मतलब ये नहीं कि अब बिना बताए चले जाऊँगा, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर अच्छा नहीं लगता यार पापा जी को बता के, मतलब पूछ के हाँ मैं जा रहा हूँ कुछ और मंगवाना तो बताओ, क्योंकि वैसे पर्दे की पाइपें लानी थी, तो देखते हैं गौरव को कॉल करते हैं, एक ही बार सारा सामान लेके आते हैं। तो बस आने वाले पापा, पापा को किया कॉल, तो आते हैं पूछते पंखे का, और ये लहसुन हमारा जो पक चुका है इसको करते हैं थोड़ा उखाड़ना यार, कब से बोल रहा हूँ, कल से पापा भी कह रहे हैं फिर गुस्सा करेंगे, टाइम नहीं मिलता यार, 2 घंटे हैं। अब गौरव भाई, गौरव गया था, मैंने जाना था पाइपें लेने के लिए, पर गौरव खुद गया हुआ, वो लेके आएगा पाइपें जो कटर से लगाने, वो लेके आ रहा है, वो आ जाएगा पैदल ही, क्योंकि उसका कज़न भी है, तो फिर 3 बंदे बाइक में, पाइपें आएंगे भी नहीं ना, तो वो लेके आएगा। आगे भाई पापा जी से पूछा, मैंने बोला लेके आओ यार कोई दिक्कत नहीं है, जाते हैं यहाँ से पूछते हैं, 2-3 दुकानें हैं ना जहाँ से थोड़ा अच्छे से मिल जाए, ले जाते हैं फ़ैन, फिर आके फ़ैन भी फिट करेंगे, तो उसके बाद जो कर्टन्स हैं उसकी पाइपें भी फिट करेंगे। चलो 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 चलो, वो हंसते पर टायर अभी नहीं डाला है, तो जा रहे हैं भाई पंखा लेने के लिए। गौरव भाई, हाँ जी, एक गौरव के पैसों से पंखा लेंगे, गौरव की तनख्वाह से। कैसा लग रहा है दादी के लिए पंखा ले रहे हो? वो दिल को सुकून मिल रहा है, अलग ही लेवल का। हाँ, अपने लिए चाहे आईफोन ले लो, वो उसमें उतनी खुशी नहीं है जितना घर वालों के लिए आप एक छोटी सी चीज़ हो उसमें उतनी खुशी है। यस, गौरव कर रहा है अभी ड्राइव, तो ऐसा हो गया ना, पापा ने कर दी कॉल जो शॉप वाले रास्ते में, उन्होंने ना तो जहाँ पे लोकल गाड़ियाँ चलती हैं उन पे ही भेज दिया, बस हमने पेमेंट कर दी उनको ऑनलाइन, तो पंखा अपने पास पहुँच जाएगा। तो तक हम छोड़ने जाते हैं कज़न को, आदर्श को, उसके घर पे, उसके घर पे उसको छोड़ के फिर आते हैं, फिर रुके यहाँ रोड पे ही, तब तक पंखा आ जाएगा। आगे भाई लिंक रोड पर कुत्ते साइड, तो सॉरी गाइस अभी हम लिंक रोड पर चले, जाने जाने जरा। सो गाइस अभी आ गए यहाँ पे, एक शॉर्ट रोड है, सिंगल रोड, मतलब रजौरी को ही जोड़ती है यहाँ से, ये जा रहे हैं यहाँ पे अद्दू को छोड़ने के लिए। यहाँ पे रास्ता खराब है, ये रोडों की हालत है। शहरों के साथ क्या करते थे? मैं नहीं तो करता यार, नहीं परेशान कर यार, क्योंकि हम तेज नहीं चलते, इसलिए हमने अपनी बाइक का मीटर बंद रखा हुआ है। हम पता ना, पर हम चलते ही नहीं यार, हम 50-60 में चलना चाहिए, क्योंकि अब घर से निकले फैमिली वालों को थोड़ा दिल में रहता है कि मतलब बाइक पे गए, आपको पता कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं बाइक पे, और यहाँ पे अब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि रोड का काम चल रहा है ना, सो रश ड्राइविंग मत करें। पहुँच गए भाई आदर्श के घर, आदर्श तो मिलवाया नहीं आपने, एक बाइक का था सुंदर बनी अपने काम, बाइक फ़ोन ठीक कराने पर नहीं हो पाया, किसी को भी इलेक्ट्रिशियन का काम कराना हो जो यहाँ पे मेरे को जानते हैं सियोट बाल बाखर, तो मुझे कॉन्टैक्ट करें इंस्टाग्राम पे, पर मेरा रिप्लाई नहीं, बाइक का मैं डालूंगा, इंस्टाग्राम आईडी बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, होल सेल पर आपका काम हो जाएगा। आगे भाई उनको छोड़ के 10 मिनट पूछी कर बैठे, अब पापा ने एक जगह फिटिंग की थी ना, आपको पता पापा प्लम्बर का काम करते हैं, तो वहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, मतलब एक गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है वहाँ पर टेस्टिंग चल रही है, वहाँ पर एक जगह लीक है थोड़ा सा, वो देखते हैं जगह क्या वहाँ पर है, फिर घर से सामान लाना पड़ेगा, मोड़ मोड़ जल्दी कर बाइक वहाँ से, घर से सामान लाएंगे उसको 2 मिनट का काम है वो ठीक कर देंगे। तो भाई हो गया यहाँ पे काम खत्म, मतलब काम काम पे था, ये ना फैक्ट्री लग रही है टायर को, जैसे जो गाड़ी के टायर होते हैं उनको रबड़ चिपका देना, जो रीसोल टायर जिनको हम कहते हैं, तो उसकी फैक्ट्री यहाँ पे खुल रही है, उसी का काम था, उसी की फिटिंग थी, होगी आलमोस्ट सब ठीक। अभी कर रहे हैं भाई पार्सल का ही वेट, अब देखते हैं कितनी देर तक आएगा पार्सल यार, अब वेट करते हैं तब तक आएगा। दादी माँ को तो हम बोल के हैं पंखा आएगा, ना पंखा ना आए तो घर से भी इंसल्ट हो जाए, पर पंखा लेके ही आना है हमको, कहीं से भी लाएं, चाहे आज कहीं से भी लाना पड़े, जाए रात को दुकान खुला के लाना पड़ेगा, पंखा लाएंगे और कटन से लगाना है, टाइम ही मेरा, सुबह उठ के लगाएंगे 6 बजे। अभी भैया जी वेट कर रहे पंखे का, जो पार्सल आएगा तो वो फैन पंखा लेके आएंगे साथ, और मुझे लविश भाई छोड़ने आए थे घर के थोड़ा पास था, क्योंकि आगे काफ़ी कच्चा रास्ता है ना, फिर वहाँ तक यहाँ तक ठीक रास्ता है, वहाँ तक छोड़ने आए थे, अब मस्त मैं पैदल जा रहा हूँ, ये सामान अपने रेंच जो मैंने, तो अनुज भाई हम पहले ना बेसिकली यूट्यूब से पहले हम यही काम करते थे, प्लम्बर का, प्लम्बरिंग करते थे, तो भैया को पूरी नॉलेज है लेकिन मैं 50% काम कर लेता हूँ, अब बस घर चलते हैं, आप देखिए घर जाके अभी अपनी चीख से उनको करना है अंदर, थोड़ा काम शाम करना है। तो भाई आ गए थे घर पे, पर गौरव भाई जा रहे हैं भूजी के घर, तो फ़ोन वो साथ में लेके जाएंगे, तो भाई बताना आज का ब्लॉग कैसा लगा, इस ब्लॉग करके यहाँ पे एंड, क्योंकि आज का ब्लॉग में काफ़ी मोटो ब्लॉगिंग थी, मोटो ब्लॉगिंग की तरह मैंने शॉर्ट्स लिए, बस मेरे को बता देना कि मुझे माइक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो मैंने आपको जिनको पूछा था,
तो मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग पर। देखो यहाँ पे अपना गांव, तो ये जो लेफ्ट और राइट पे वीडियोस आ रही हैं भाई, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी जल्दी जल्दी देखो। सो एंजॉय करो, सपोर्ट करो, शेयर करो।